अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लाई हूँ बैंगन की चटनी दोबारा से और कुछ यूनिक स्टाइल से। मेरी फेसबुक और यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली ये वीडियो, बहुत अच्छे व्यूज़ आए इस पर। आप लोगों ने मुझे मतलब कि इस वीडियो को देखा पर मुझे लाइक नहीं किया, मुझे फॉलो नहीं किया, मुझे बस इस बात का दुख है। वरना आपने मेरी वीडियो को बहुत मतलब कि इसको फुल देखा, आपने इसको पसंद किया। चलिए जी, दोबारा से अच्छी तरीके से और चटपटी बनाते हैं बैंगन की चटनी। आप इसे सुबह के नाश्ते में खाएं, पराठे के साथ, या दोपहर के खाने में। माशाल्लाह सब क्या बात है इस चटनी की। कम बजट वाली रेसिपी है। चलें जी, मैंने एक बैंगन लिए, दो दो टमाटर लिए, लहसुन लिए, हरी मिर्च को ली। जब अच्छी तरह से पक पक के इसको पानी में रख दिया ठंडा होने के लिए। उसके बाद मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया, उसमें आधा चम्मच जीरा और एक चुटकी अजवाइन और एक चुटकी मैंने ली कलौंजी। इसको हम ढकना लगा कर तड़पने देंगे। जब अच्छी तरह से तड़प तुड़प जाएगी ये, फिर मैं क्या करूँगी, मैंने इसको अच्छी तरह चम्मच हिला के मैंने दो दो टमाटर का पेस्ट बना लिया था, बिल्कुल पतला पतला पेस्ट बना लिया था। उसमें हरी मिर्च को भी पीस लिया था और लहसुन को भी अच्छी तरह से पीस लिया था। अच्छा जी, फिर क्या किया जी, इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। इसे ढकना लगा कर रख देंगे तब ऑयल ऊपर ना जा। भी देख रही है बहुत ज़्यादा पतली है, हमने इसको थिक थिक बनाना है, एक सॉस, इसकी थिक थिक सॉस बनानी है। ये इसको पतला नहीं रखना। जब सॉस अच्छी तरह से थिक थिक बन जाएगी, उसके बाद मैं इसमें सारे मसाले ज़्यादा डाल दूँगी। वही जीरा, वही गर्म मसाला, सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, अपने जायके के मुताबिक डालेगा, अपने टेस्ट के मुताबिक डालेगा। और उसको फिर ढकना लगा के फिर रख दूँगी। फिर से अच्छी तरह से भुनाई करने के बाद फिर मैं जो बैंगन को अच्छी तरह से कुंडी में पीस लूँगी और वो डाल दूँगी। पता नहीं मेरे कैमरे का रिजल्ट अच्छा नहीं है, यहाँ वो पीला पीला सा नज़र आता है, पर जो मेरे पास जो रेल में इसकी शक्ल होती है वो लाल होती है। जैसे कि लाल, जैसे एक सालन के जो होता है ना ऑयल ऊपर आना, वैसा जायका होता है, वैसा कलर होता है। पर उसके बाद जब अच्छी तरह से भुनाई कर लेंगे, इसको थिक बनाने के बाद फिर पुदीना डाल के सर्व करेंगे।